YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल जन्म कुंडली निर्माण वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। हरिओम प्रिय जिज्ञासु धनु राशि वालों के लिए मासिक राशि भविष्य मार्च 2021 का कैसा रहेगा ग्रह गोचर के अनुसार मैं दर्शाने जा रहा हूँ। धनु राशि एक गुरु की राशि है और इसका प्रतीक चिन्ह है धनुष बाण लिए हो एक आधा पुरुष आधा पशु, ये प्रतीक चिन्ह है उसका। तो अब ये और ये अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व के होने द्वि स्वभाव की राशि है। अब ये इसका प्रभाव दिखा, एक गौर वर्ण की है। तो धनु राशि वाले व्यक्ति अग्नि तत्व के होते हैं, अग्नि तत्व की राशि जो है दुबली पत्नी राशि होती है, जल तत्व की जो राशि होती है वो स्थूल यानी मोटी, जल तत्व की जो राशि होती है तो ये लंबी राशि होती है, लंबा कद रहता है इसका, और पृथ्वी तत्व की नाटा कद होता है उसका, और वायु तत्व की जो राशि होती है वो मोटी होती है। तो अब ये अग्नि तत्व की है तो इनका शरीर प्रायः दुबला ही रहता है, मोटा नहीं होता है। तो धनु लग्न राशि वाले व्यक्ति प्रायः अधिकांश उन ग्रहों के कारण थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है, वरना ये हमेशा छरछरी देह के होते हैं, मतलब ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, ये उनका स्वभाव है। और इनके अंदर क्रोध जल्दी आ जाता है, क्रोध यानी इनके नाक पर रखा रहता है, जरा सी अनीति से लीक से हट से बात करोगे एकदम गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा ऐसा आता है कि इनके अंदर मन में क्रोध भरा रहता है, ये प्रकट नहीं करते हैं और इनके मन में क्रोध भर जाता है और जरूर समझे मौन हो जाते हैं, ये मतलब ये बोलते नहीं हैं, अगर जिससे कुछ विरोधात्मक रूप है तो उससे बोलते नहीं हैं, मौन रहना ही इनका क्रोध का लक्षण पहला बाजार है। सर्वप्रथम इनका बोल अनबोला हो जाना यही उनका क्रोध का कारण है, जवाब नहीं देंगे, वाणी से नहीं लड़ेंगे, हाथ पैर से नहीं लड़ेंगे, केवल मौन हो करके वो त्याग कर देते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा मन में विकार आ जाता है इनके। ये खास विशेषता धनु लग्न राशि वालों के लिए बताई। और इस राशि वाले का जो वो प्रतीक चिन्ह है वो एक तो गोरे रंग का राशि है तो इसका गौर वर्ण होता है, और द्वि स्वभाव की राशि है तो द्वि स्वभाव में क्या होता है, चलता फिर चलने फिरने का काम भी अच्छा कर लेते हैं और बैठने का काम भी अच्छा कर लेते हैं, मतलब इनके लिए ये नहीं है कि बैठने का ही काम कर सकें या चलने का ही काम सकें, ये दोनों काम में निपुण होते हैं। अच्छा, इनके राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु का क्या स्थिति है, गुरु जो है सो ज्ञान का कारक है, भक्ति का कारक है, साधना का कारक है, हैं? और इनका सबसे अच्छी विशेषता इनके अंदर ये है, और खराबी क्या है, इनको अहम भाव हो जाता है, ज्ञान इतना सबसे अच्छी बात है, ज्ञान का कारक होने का बहुत ज्ञानी होते हैं, जो पढ़े लिखे ना भी हों तो भी इनके प्राकृतिक ज्ञान इनके अंदर विद्यमान रहता है, ये नीति की बात करते हैं, ये उनकी विशेषता पाई जाती है। और इनके अंदर और विशेषता चलता बिच्छू, मतलब इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो आधा पुरुष है आधा पशु है, तो आधा पुरुष होकर के धनु टंकार को ऐसे लेकर के खड़ा हुआ है पुरुष, तो इनकी जो भ्रुगुटी है भौहें हैं वो हमेशा धनुष के आकार की मिलेंगी, ये उनको लक्षण बताता हूँ। और धनुष धनुनाकार इनके जो है सो आँखें होती हैं यानी भौहें होती हैं, और ये क्रोधी होते हैं। क्रोध क्यों आता है कि अन्याय के प्रति इनको क्रोध आने लगता है, लीक से हट के बात करो क्रोध आने लगेगा, अहम भाव इनको जागृत होना लगता है, और ज्ञान इतना ज्यादा होता है, लेकिन इनको जितना ज्ञान होता है उस प्रमाण से इनको धन नहीं मिलता, क्योंकि धन इसलिए नहीं मिलता गुरु की
राशि है, गुरु की राशि है ये। और गुरु धन नहीं देते, प्रतिष्ठा देते हैं, पद देते हैं और आपका नाम करते हैं, आपको ज्ञान अच्छा दे देते हैं, भक्ति साधना दे देते हैं। तो ये सरस्वती के साधक होने से लक्ष्मी की कमी रहती है और लक्ष्मी सरस्वती का आपस में विरोध है, ये सब जानते हैं। इस स्थिति में इस राशि वाले व्यक्तियों के लिए धन उतना नहीं मिलता जितना ज्ञान होता है, ये एक खास विशेषता मैं आपको बताया। इस राशि वाले व्यक्ति का सब लक्षण बताया, उसके बाद अब गोचर ग्रहों की इस महीने में, मार्च के महीने में क्या प्रभाव रहेगा वो बताता हूँ। इसका स्वामी गुरु है और गुरु इस समय मकर राशि पर नीच राशि के चल रहे हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग बन गया है क्योंकि शनि उसके साथ में बैठा है। नीच स्थितो जन्मनियो ग्रह साथ तद राशि नाथो यदि उच्च नाथा। जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का स्वामी यदि उच्च हो या स्वग्रही हो तो नीच भंग राजयोग होता है। तो धनु लग्न राशि वालों के लिए गुरु अच्छा काम कर रहा है क्योंकि नीच भंग राजयोग खराब परिस्थिति में, नीच भंग राजयोग का अर्थ ये होता है खराब परिस्थिति में अच्छा फल मिल जाना। जैसे किसी ने कुएं में धक्का दे दिया तो खराब परिस्थिति बन गई, वहाँ सोने का हंडा मिल गया। तो ये नीच भंग राजयोग का लक्षण बताया है। तो गुरु आपकी राशि पर से धनु राशि से दूसरे राशि पर गुरु चल रहे हैं, तो द्वितीय घर में चलने से, द्वितीय घर धन संपत्ति का है, परिवार का है, कुटुंब का है, नेत्रों का है, मुख स्वाद का है, तो एक तो मीठा भोजन आपको पसंद आएगा और आपके नेत्र बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब अगर विकार है पहले से तो उसमें कुछ खराबी दूर हो जाएगी हैं, और आपका सुस्वादु भोजन मिलेगा हैं। साथ साथ में वाणी में जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। वाणी में एक एक गौरवपूर्ण वाणी बोलेंगे, गंभीर वाणी बोलेंगे, सत्य बोलेंगे हैं। सत्वम सत्यम अब अप्रियम, सत्यम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य ना हो, यानी कटु सत्य ना हो। क्या है कि कटु सत्य बोलना चाहिए लेकिन कटु सत्य नहीं हो। जैसे किसी को एक आँख का व्यक्ति है उसको हमने काणे को काणा बोल दिया, तो ये अप्रिय सत्य, सत्य तो है लेकिन अप्रिय सत्य है। और उसी को अगर ये बोल दिया कि थोड़ा नेत्रों से कमजोर है, कितनी मधुर बात हो गई, सत्य तो है लेकिन प्रिय सत्य है, या प्रज्ञा चक्षु हैं ये भी सत्य है ये लेकिन प्रिय सत्य है, ऐसा बोलना चाहिए। वाणी में जो गुरु जिसके द्वितीय भाव में वो प्रिय सत्य बोलते हैं, अप्रिय सत्य नहीं बोलते, तो वाणी का प्रभाव अच्छा रहेगा। दूसरा, इनकी जो दृष्टि है लोग और शत्रुओं पर जा रही है, तो लोग और शत्रुओं पर जा रही तो लोगों का और शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं और मामा का विकास करने वाले हैं। मामा के घर सुख शांति बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी और उनके परिवार में आनंद की अनुभूति होगी, मांगलिक कार्य होंगे, विवाह होगा, ऐसा कुछ अच्छा कार्य होना है मामा के घर, ये एक विशेषता पाई जाती है। दूसरा, इनका जो देखने का कारण क्या है कि लोग को देखेंगे तो दवाई काम करने लगेगी, अभी दवाई काम नहीं कर रही थी, गुरु की दृष्टि आ रही थी औषधि से, जल्दी आप निरोग हो जाएंगे। शत्रु कैसे विनाश होंगे, शत्रुओं का विनाश ऐसा वो अपनी वाणी से समझा करके शत्रुता नष्ट कर देंगे। ये हाथ से नहीं लड़ते हैं, ये धनु राशि वाले हाथ पैर से नहीं लड़ेंगे, ये लड़ेंगे वाणी से, यानी उसको उपदेश दे देंगे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, समझा देंगे, ऐसे शत्रुता नष्ट हो जाएगी। ये गुरु अपने तरीके से शत्रुता नष्ट करता है, शनि अपने तरीके से, मंगल अपने तरीके से, सब ग्रहों का अपना अपना प्रभाव स्वभाव होता है, तो इस प्रकार वो शत्रु लोग नष्ट हो जाएंगे। और कर्म भाव पर दृष्टि जा रही है तो कर्म भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पिता का घर है और कर्म का घर है,
तो पिता के घर में, पिता कर्म के घर में दृष्टि जा रही है, तो वहाँ दृष्टि जाने से मंगल दृष्टि होती है इनकी। तो कर्म क्षेत्र में जो व्यक्ति का कर्म छूट गया है, वो कर्म उसका लग जाएगा, नया कर्म लग जाएगा, यानी उसका कैरियर छूट गया, कैरियर बन जाएगा। और साथ साथ में वो दृष्टि जा रही है पिता के घर पे, पिता का भी घर है, तो पिता का आशीर्वाद आपको भरपूर, उनका स्वभाव बदल जाएगा और आशीर्वाद मिलेगा और उनका सहयोग भी मिलेगा। इस प्रकार से ये गुरु का मैंने आपको दर्शाया। अब शनि महाराज की स्थिति क्या रहेगी इस महीने में? शनि महाराज भी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पूर्ति करते हैं, धन स्थान पर है, धन की पूर्ति करेंगे, कुटुंब का सहयोग मिलेगा। और सुख भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, जहाँ देखते हैं वहाँ विनाश करते हैं, तो सुख भाव को देखने के कारण यहाँ पर सुख की कमी करेंगे, बेचैन बना देंगे, सहयोग हैं, माता का स्वास्थ्य बिगाड़ देंगे, माता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। और साथ साथ में अगर स्वभाव गड़बड़ हो या स्वास्थ्य गड़बड़ हो, यानी स्वास्थ्य गड़बड़ हो, भवन भूमि वाहन, भवन का योग कैसा रहेगा, भवन से संबंधित कोई बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें रुकावट आ जाएगी। और वाहन का सहयोग जो है तो कम मिलेगा आपका, इस प्रकार वाहन का सुख, मित्रों का भी सहयोग थोड़ा कम मात्रा में मिलेगा शनि की। अच्छा, अब शनि की सातवीं दृष्टि जो जा रही है, द्वितीय भाव में तो अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव दीर्घायु बना रहा है, और क्योंकि मृत्यु की हानि कर रहा है, हानि तो कर, उसका काम है हानि करना, तो मृत्यु की हानि कर रहा है। और चतुर्थ भाव पर यानी द्वितीय भाव पर बैठ करके शनि एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ग्यारहवें भाव लाभ का है, बड़े भाई बहनों का है, तो बड़े भाई बहनों को तकलीफ होगी या उनके आपका व्यवहार में कुछ गड़बड़ी आ सकती है, यानी कुछ ना कुछ बनबुटाव आ सकता है। और लाभ जहां आपको हो रहा था, लाभ में कुछ कमी आ रही है, इस प्रकार से शनिदेव का कारण बताया। मंगल देव और राहु देव क्या कर रहे हैं? मंगल और राहु आपकी राशि धनु से, धनु मकर कुंभ मीन मेघ और वृक, यानी छठ में चल रहे हैं। छठ में राहु मंगल होने से छठवां रोग शत्रु का है, राहु शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर विनाश करते हैं, तो रोगों का विनाश करेंगे और शत्रुओं का भी विनाश करेंगे। इस प्रकार से रोग शत्रु विनाशक बनाएंगे मंगल और राहु। और सूर्यदेव क्या करेंगे? सूर्यदेव आपके 14 तारीख तक तो कुंभ राशि पर हैं, 14 के बाद में ये मीन राशि पर चले जाएंगे, 14 मार्च के बाद मीन राशि। तो जब 14 तारीख तक क्या होगा, आपकी धनु मकर और कुंभ तीसरे स्थान पर हैं, तो सूर्य तीसरे स्थान का बहुत अच्छा फलदायक है। अग्रजा रवि हन्यात पृष्ठ जाश्च शनिश्चरा, बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ा कष्ट का कारण बन सकता है, लेकिन आपके पराक्रम छोटे भाई बहन इनके लिए बहुत ही मेहनती है, और राजसत्ता से संबंधित कोई कार्य आपके हो रहे हैं वो रुकावट नहीं आएगी, अपने आप धर्म से हो जाएंगे, कोर्ट मुकदमा पेशी में आपकी विजय प्राप्त होगी। इस प्रकार सूर्यदेव 14 तारीख के बाद भी हो जाएंगे, चतुर्थ हो जाएंगे, जब मीन पर पहुँच जाएंगे चौथे हो जाएंगे चतुर्थ, फिर हानिकारक होंगे, माता को स्वास्थ्य बिगाड़ेंगे, भूमि भवन वाहन का थोड़ा रुकावट आएगी और आपके सुख में बाधा पहुंचाने वाले होंगे। इस प्रकार सूर्यदेव बताया। शुक्रदेव की स्थिति क्या है? शुक्रदेव जो है इस समय जो चल रहे हैं, शुक्रदेव कुंभ राशि पर चल रहे हैं, और आपकी धनु मकर कुंभ तीसरे स्थान पर हैं, और बुधदेव भी तीसरे हैं। तीसरे बुध शुक्र क्या करेंगे? तीसरे स्थान पर दोनों बेकार हैं, कोई काम के नहीं होते हैं, वो हानि, ये कलात्मक कार्य करने वालों के लिए ठीक है, बाकी व्यवहारिक जन्म कर्म क्षेत्र में क्योंकि कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं दोनों ग्रह, इसलिए कला में जो लगे हुए व्यक्ति हैं उनके लिए अपूर्व सफलता प्राप्त होगी, और जन साधारण के लिए ये परिश्रम में थोड़े कमजोरी करेंगे, ये इनकी कमजोरी और विशेषता बताई। अब रहा
केतुदेव का, केतुदेव की स्थिति क्या है। केतुदेव इस समय जो चल रहे हैं, केतु तो वृश्चिक राशि पे चल रहे हैं, आपकी राशि से बाद में हैं। बाद में केतु क्या करेंगे, बाद में केतु आपके लिए विशेष करके हानिकारक होते हैं। ये अचानक कोई भी हानि हो अचानक हो जाएगी, नुकसान कोई चोरी होना अचानक चोरी हो जाएगी, पैसा किसी से लेना गिर जाएगा, यानी कहीं ना कहीं अचानक धन खर्च होगा, अचानक जो है तो संभावना ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार से केतु देव की स्थिति मैंने आपको दर्शाई। इस प्रकार से धनु राशि वालों के लिए मैंने पूरा ये आपका महीने भर का समय दर्शाया। मंगल कामना करता हूँ कि आपका समय अनुकूल रहे। हरि।